नेनवा उपखंड के दुगारी में सरकारी चरागाह भूमि पर दबंगों ने देर रात करीब 20 से 25 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। मौके पर हथियारबंद दबंगों द्वारा सरकारी चरागाह भूमि की जमीन पर बुलडोजर व ट्रैक्टर चलाकर भूमि पर कब्जा करने की जानकारी पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को दबंगों ने हथियारों से डराकर भगा दिया, जिस पर ग्रामीणों ने देर रात ही सूचना पंचायत व सरपंच रामलाल खिंची को दी। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर देर रात को ही पुलिस व ग्राम पंचायत सरपंच रामलाल खिंची प्रशासन को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां पर दबंगों द्वारा चरागाह की लगभग 20 से 25 बीघा सरकारी जमीन पर बुलडोजर व ट्रैक्टर चलाकर चोरी छिपे ही हकाई की जा रही थी। आपको बता दें, वहीं इस मौके पर ग्रामीणों और सरपंच सहित पुलिस प्रशासन पहुंचा तो जाप्ते को देखकर दबंग अपने संसाधनों को लेकर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, नेनवा उपखंड के दुगारी पंचायत का ये मामला है। रात हाँ 11-12 बजे रात को सूचना मेरे को मिली तो मैं पुलिस जाप्ता के साथ में रात में पहुंचा चराका में, जबकि चराका का यहाँ पर नाडियों का पॉइंट एम 6 प्लांटेशन लगे हुए हैं। पौधों का कम से कम 15-18 हज़ार पौधे, फलदार पौधे लगे हुए हैं और इसमें लगभग 20 नाडियों का पॉइंट बना हुआ है। विकास के लिए जो कार्य में टंचरियां भी कम से कम 10 करोड़ रुपए यहां पर दुगारी चराका में खर्च हो चुके हैं सरकार के, और जो ये पौधे हैं ये खेजड़ियाँ, बड़ी बड़ी खेजड़ियाँ को भी इसमें मौके पर पाया और ये उखाड़ कर फेंक दी। तो रात को 11 बजे से लगभग 3 बजे तक हम पुलिस जाप्ता के साथ में पहुंचे, जब यहाँ से भग गए थे। तो ये गांव वाले बता रहे हैं जी, इस नाम को आप सरकार में मतलब प्रस्तुत करें और इसके खिलाफ कार्रवाई अति आवश्यक, शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई होना चाहिए, जिससे ताकि चराका का मतलब पे रोक लगाई जा सके। और सीमा ज्ञान के लिए मैंने कलेक्टर से आदेश लाकर तहसील में हो रहा है उसकी कार्रवाई करके और सीमा ज्ञान करवाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही ये गांव के नागरिक भी इसमें बराबर साथ देने के लिए तैयार हैं। और खेजड़ियां और मैं दो चार आया तो मेरे तरफ उन्हें बंदूक यहाँ तलवारें निकाली, मैं पास ऑफिस भाग गया और प्रशासन पुलिस आई तो पुलिस के साथ में, तो पुलिस आई तो भाग गया छोटा गाड़ी और फिर 15 आदमी, फिर वो कोई नहीं गया और कम से कम 50-60 खेजड़ी पकड़ दी इसने, बड़ी बड़ी बहुत।